Hello children, welcome to Hindi class. This is R. Padmavati, your Hindi teacher. बच्चों, हर साल की तरह इस नए सत्र की शुरुआत भी हम हिंदी वर्णमाला से करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है हिंदी भाषा का आधार है हिंदी वर्णमाला। तो चलिए सीखें हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दिए गए चार्ट में, सबसे पहले यहाँ पर नीचे देखो बच्चों, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। 52 मतलब 52। तो कितने लेटर्स हैं हमारे पूरे हिंदी वर्णमाला में? 52 है। उन वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं, ठीक है। इनके उच्चारण के लिए किसी और ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती, इसे कहते हैं स्वर। स्वर कुल होते हैं 11। कौन कौन से, चलिए सीखें। अ, आ, ई, ई, उ, उ, रि, ए, ऐ, ओ, औ। और इसके बाद जो आता है बच्चों, यहाँ नीचे देखो, अम, और यहाँ पर आहा। अम जो है एक अनुस्वार है और आहा जो है विसर्ग कहलाता है। अम अनुस्वार या चंद्रबिंदु और आहा विसर्ग के रूप में जाना जाता है। तो बच्चों, स्वर कुल 11 और अम और आहा दोनों को मिलाकर कुल 13 वर्ण होते हैं। अब आते हैं व्यंजन के। व्यंजन जिन्हें अन्य ध्वनियों की आवश्यकता होती है उनके उच्चारण के लिए, ये कुल होते हैं 33। और इन व्यंजनों में जो है सबसे पहले आता है क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, आणा, ता, थ, द, ध, ना, प, फ, ब, भ, मा, य, र, ल, व, श, श, सा, ह। इनके अलावा जो अन्य व्यंजन है वो है क्ष, त्र, ज्ञा, स्र। इनको कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। ये कुल होते हैं 4, ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम द्विगुण व्यंजन पर। द्विगुण व्यंजन, इन व्यंजनों को जब डा के नीचे बिंदु लगाया जाता है ना, जब डा के नीचे कोई डॉट होता है तो उसका उच्चारण, उसका प्रोनाउंसिएशन होता है अड़, और ये ढा के नीचे बिंदु आ गई तो इसको कहते हैं अड़, अड़, अड़। इस प्रकार यह हमारी हिंदी वर्णमाला के 52 वर्ण। बच्चों, अब सीखते हैं मात्राएं। जैसे कि आप पिछली कक्षाओं में भी सीखे हैं, आ के साथ कोई मात्रा नहीं होती, क्योंकि यह हर वर्ण में जुड़ा होता है आ का उच्चारण। ये है आ, एक खड़ी डंडी कहलाती है आ की मात्रा। यह है बाएं तरफ से छोटी ई की मात्रा, जैसे दादाजी की छड़ी हो गई, छोटी ई की मात्रा। यह है बड़ी की मात्रा। यह ऊ की मात्रा। यह है बड़ी ऊ की मात्रा। ऊपर में एक लाइन खींचने पर होता है ए की मात्रा। अगर वही ऊपर में दो लाइन खींच दें तो आई की मात्रा। साइड वन लाइन, अप वन लाइन, ओ की मात्रा। साइड वन लाइन, अप टू लाइन, औ की मात्रा। अप वन डॉट होता है अम की मात्रा, और साइड टू डॉट लगाने पर होता है आहा की मात्रा। और जो मात्रा छूट गई है वो है री की मात्रा। री की मात्रा ये इंग्लिश लेटर सी के जैसा होता है,
और इसका उच्चारण होता है रा में छोटी की मात्रा री, री की मात्रा, ग गा में री की मात्रा ग्री, ह गृह, री शी ऋषि, और यह है चंद्रबिंदु। माँ के ऊपर अगर चंद्रबिंदु लगाया जाए तो इसका उच्चारण होता है माँ। ठीक है बच्चों, अब सीखते हैं बारह खड़ी, हिंदी बारह खड़ी। क प्लस अ, क का प्लस आ, का प्लस ई, की का प्लस ई, की का प्लस उ, कु का प्लस उ, कु का प्लस री, क्री का प्लस ए, के का प्लस आई, कई का प्लस ओ, को का प्लस औ, कौ का प्लस अम, कम का प्लस आहा की मात्रा कहा। अब इसको फिर से देखते हैं, देखिए इसका सही उच्चारण कैसे होता है। क का, की कु, कु के, कई को, कौ कम, कहा। इस प्रकार बच्चों आपको बारह खड़ी का अभ्यास करना पड़ेगा, नहीं तो आपको सही तरीके से पाठ का पठन नहीं हो पाएगा। गृह कार्य होमवर्क, बच्चों आपका होमवर्क है बारह खड़ी लिखो। कौन कौन से बारह खड़ी लिखेंगे? च ट ता पा और या। बच्चों वर्णों को ऐसे ही लिखो, लेकिन जब आप मात्राएं लिखें तो उसके लिए आप कलर पेंस का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये हो गया आज की होमवर्क और ये यहाँ पर समाप्त होती है आपकी क्लास। ठीक है, अब नई क्लास के साथ नए पाठ के साथ हम मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।